आपको बताते हुए खुशी होती है कि इलेक्शन के पहले जो कांग्रेस ने 5 गारंटी जो दी थी वो फेज़ वाइज अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 11 जून से महिला के लिए बस फ्री हो जाएगी, एयर कंडीशन बसेस नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी के जो भी आपके लोकल बसेस रहेंगे आपको फ्री हो जाएगा। दूसरी ग्रह ज्योति, हर घर पे आपको 200 यूनिट मिलेंगे। तीसरी ग्रह लक्ष्मी, हर जो बड़े हैं घर के लेडी हैं उनको हर महीना 2000 रुपया मिलेंगे। इसका एक ही है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स या मेरे ऑफिस के लोग आके आपसे फॉर्म भर लेके जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई किसी को एक नया पैसा मत दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट लाने के लिए या कुछ लाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, इतना ही रहेगा और आपको ये सहूलत दी जाएगी। कुछ जगह पर इस स्कीम को लेकर लोगों से पैसे लेने की भी खबरें हासिल हुई। नहीं, उसी लिए मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही मैं बुलाया था कि कोई किसी को एक नया पैसा मत दीजिए। हमारे ऑफिस से लोग आएंगे, पार्टी के लोग आएंगे, ये पार्टी का वादा रहा है। और किसी को आप एक पैसा मत दीजिए और आप कुछ भी आपका अकाउंट नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी और आपका राशन कार्ड, ये 4 चीज़ आपके पास रखिए। ये आके हमारे लोग आके आपको कैसा करना है, क्या करना आपको बताएंगे और आपको मदद करेंगे और फॉर्म भरने के लिए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये जो ऐलान किए गए थे उसको तो मुकम्मल करने की कोशिश हुकूमत की जानिब से तो जारी है, लेकिन भाजपा इसे लेकर सड़क पर आती भी नज़र आ रही है, एहतजाज किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? भाजपा ने 2013 को 15 लाख का वादा किया था, फिर बहुत से चीज़ के वादा किए, फिर वो उन्होंने बोल नौकरियां का बोले, बहुत से वादे किए, लेकिन फिर वो बोलते गए कि ये जुमले हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया आज वो इसमें आ रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है, तो ये झूठे चीज़ें कुछ ना कुछ उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। छोड़ो उनकी बात, वो करने दो, वो जो करना चाहते हैं। हमारे जो हमने वादे किए थे ये हर वादा पूरा होगा, हर वादे हर एक के लिए बराबर लागू रहेगा। और एक बार मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसी को एक नया पैसा दीजिए मत। आप कास्ट सर्टिफिकेट लाने के लिए या कुछ लाने के लिए इधर गए उधर गए करके, स्पेशली मेरे माँ और बहनों को मैं सबको बोलता हूँ कि हमारे लोग आएंगे, जो भी आपके पास से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पैसे डायरेक्ट बैंक में आएंगे, आपका आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी एक एक आइडेंटिटी के लिए रहेगा, और आपका राशन कार्ड। ये छोड़ के आप किसी भी चीज़ के पीछे मत पड़िए, गलत अफवाह के पीछे मत जाइए। अगर कुछ भी ऐसा रहेगा तो आप मेरे ऑफिस को या मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको कोई फंसाए नहीं, कोई आपके पास पैसे नहीं काट ले आपके मेहनत के पैसे, वो हम देखेंगे। जैसा आपने कहा कि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, तो ये भी अफवाहें हैं कि लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं भरना चाहते, कहीं गांव में देहात में इस तरह की वारदातें पेश आ रही हैं, और जानबूझकर जैसा अब तो विपक्ष में आ गया है भाजपा, अब उनके पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं है तो सिवाय प्रोटेस्ट के, तो ये लोगों को जो जिस तरह से वो प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो वादा किया गया है उसको स्ट्रीमलाइन करना थोड़ा वक्त लगता है, जैसे डिक्लेयर हो गया और दूसरे रूप से नहीं होता, इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। घर पे कौन है, मीटर क्या है, क्या नहीं है, इसके लिए जुलाई से आपको 200 यूनिट फ्री करके बताया गया है, वो 200 यूनिट फ्री रहेंगे।
मेरे पर्सनल भी जो मैनिफेस्टो थे, जो ड्रिंकिंग वाटर का था, जो ग्रीनरी का था, जो हॉस्पिटल का था, अगर आप देखे होंगे कि मैंने हॉस्पिटल में जा कर विज़िट किया है और हेल्थ मिनिस्टर से और एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की है, डॉक्टर्स की भी मीटिंग ली है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हमारे को स्पेशल सुपर स्पेशलिटी वार्ड के लिए लगेंगे, हॉस्पिटल के लिए लगेंगे, वो सब हम जारी कर रहे हैं। ग्रीनरी की भी एनजीओ से कांटेक्ट में होके वो भी काम चालू हो चुका है। ड्रिंकिंग वाटर का एलएनटी से और दूसरे एजेंसी से मिल के हर एक ले को पानी की सुविधा हो वो कोशिश कर रहे हैं। इस साल बारिश भी कम नज़र आ रही है और राकस्कोप का पानी भी घटता जा रहा है सर, सिर्फ 25 दिन का पानी बाकी है इस तरह से कहा जा रहा है, इसके लिए क्या प्लानिंग है सर आने वाले दिनों? राकस्कोप का कम है लेकिन हिडकल में काफ़ी पानी है वहाँ पे। अब हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बारिश अच्छा हो, टाइम पे हो, कि किसी को तकलीफ़ ज़्यादा नहीं आए, और बोरवेल्स का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, जो बंद हैं जो मशीन्स बोरवेल्स हमारे वार्ड में, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं, उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि जो भी वार्ड में जो भी गली में बोरवेल बंद है तो हमारे नज़र में लेके आए, और मैं वाटर सप्लाई वालों को इमीडिएटली भेज के वो मशीन्स रिप्लेस करवा रहे हैं। जो भी है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान को पानी की तकलीफ़ ना हो।